Assalamu alaikum. Today we will solve further questions of Kaplan Kit chapter The Nature of Cost and Management Accounting. Let's start. What is the prime entry record in an accounting system? Accounting system mein prime entry record jo hai kya cheez hai? Achha ji. A record of an integrated transaction, usually a high value transaction. Prime entry record kya important transaction ko bolte hain? Important transaction ke record ko bolte hain. Usually jo high value wali transaction ho. Ya phir prime entry record bolte hain an entry in the ledger account. Ya phir the first record of a transaction entered into the accounting system. या फिर पहला रिकॉर्ड जो है ट्रांजैक्शन का जो हम अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर करते हैं, या फिर रिकॉर्ड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस. तो याद रहे, हमने ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़ा है, FA1 में भी आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो प्राइम एंट्री फर्स्ट रिकॉर्ड होता है अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, उसको बोलते हैं प्राइम एंट्री रिकॉर्ड. सो द सी इज द राइट आंसर. द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रांजेक्शन entered into the accounting system is called prime entry. सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन होने के बाद अगर मैंने उधार पे सेल की है, सबसे पहली जगह जो अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड करने को बोलते हैं प्राइम एंट्री रिकॉर्ड. इसलिए उसको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी कहा जाता है उस पूरे प्रोसेस को. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है. In a system of interlocking accounts, financial accounts and management accounts are recorded in the same ledger. Interlocking के अंदर क्या financial accounts और management accounts same record होते, same ledger में record होते हैं? ये statement सही है. या the number of error in a computerized accounting system should be less than if a manual accounting system is used. तो number of error जो है वो computerized में less का chances है error का, और manual में जो है वो ज्यादा है. क्या ऐसा है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? या फिर ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड मोर क्विकली इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम देन इन अ मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम. अगर मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती हूँ कंप्यूटराइज्डली, तो वो ज्यादा क्विकली रिकॉर्ड होंगे या एज कंपेयर टू, या फिर जो ट्रांजैक्शन कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होती हैं वो ज्यादा क्विकली होती हैं देन इन अ मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम. तो इन तीनों में से हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त है, सही है. तो इंटरलॉकिंग के अंदर फाइनेंशियल अकाउंट और मैनेजमेंट अकाउंट सेम लेजर के अंदर जो है रिकॉर्ड नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है. बकिया जो दो स्टेटमेंट हैं 2 और 3 वो बिल्कुल करेक्ट है. जाहिर सी बात है, अगर हम कंप्यूटर से कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड करेंगे तो एरर के चांसेस कम होंगे, ठीक है. और दूसरी बात ये कि अगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम होगा तो ट्रांजैक्शन जो है वो ज्यादा क्विकली रिकॉर्ड होंगे बनिस्बत इसके के मैनुअली रिकॉर्ड हो रहे हैं. डी इज द राइट आंसर. Which of the following best describe double entry accounting? नीचे दी गए चारों ऑप्शन में से double entry को कौन सी statement best describe कर रही है? A manual system of recording accounting transaction, a system of recording business transaction in ledger, a system of recording an accounting transaction twice in the main ledger, a system of management accounting. The right answer is answer C. Double entry के अंदर twice transaction twice record होती है. One on the debit side and other on the credit side. C is the right answer. Which of the following would be classified as debtor? Debtor जो नीचे जो options दिए हुए हैं, इसमें से हम debtor को कैसे classify करें? मतलब debtor की एक तरीके से debtor की definition करें आप. Number of purchase requisition, analyze of wages into direct and indirect costs, table showing variances from budget, graph showing the number of labor hours worked. अच्छा, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन. इसका जो तमाम जो भी नंबर्स ऑफ परचेज रिक्विजिशन होंगे, जितने भी परचेज रिक्विजिशन होंगे इनका तमाम, तो ये जो है ये हमारी कहलाएंगी
ये हमारी कहलाएंगी डेटा, नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन, बाकी जो है ये डेटा क्लासिफाई नहीं होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। नीचे दिए गए ऑप्शन में से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फीचर जो है ये कौन सा है? इट इज यूज टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। लिमिटेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रिपेयर दिस इंफॉर्मेशन। इट इज कंसर्न विद फ्यूचर रिजल्ट एज वेल एज हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। द बेनिफिट मस्ट एक्सीड द कॉस्ट एंड इट मस्ट बी रेलिवेंट फॉर पर्पस। द राइट ऑप्शन इज लिमिटेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रिपेयर दिस इंफॉर्मेशन। लिमिटेड कंपनीज, ये इसका जो है प्रॉपर, इसका लिमिटेड से मुराद है ये नहीं कि चंद कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज होती हैं जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, उनको रिक्वायर बाय लॉ उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से अपने जो लेजर्स हैं, अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करें। ठीक है, तो ये जो है मेन फीचर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर फैक्ट फिगर एंड इंफॉर्मेशन? साइंटिफिक टर्म्स हम क्या यूज करते हैं फैक्ट फिगर या इंफॉर्मेशन के लिए? तो फैक्ट फिगर और इंफॉर्मेशन को हम का साइंटिफिक टर्म यूज किया जाता है डेटा। डेटा जो है वो फैक्ट्स की फिगर में भी, फैक्ट्स फिगर और इंफॉर्मेशन की फॉर्म में भी होता है, तो ये इसका साइंटिफिक टर्म है। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इट इज द सेम एज ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, नहीं। इट मस्ट बी प्रोड्यूस बाय अ कंप्यूटर, नहीं। इट शुड बी कंप्लीट एक्यूरेट रिगार्डलेस ऑफ कॉस्ट, नो। इट शुड बी प्रोड्यूस इन,